आ गया हूं हम आप लोगों के सामने में जो एक अनोखा डिश लेके जिसका नाम है चिकन फेटोचिली स्टोगनाफ। तो जो चाहिए पहला स्टोगनाफ के लिए वो है पास्ता। तो आज हम लोग बनाएंगे जो है पास्ता घर पे, और है आप बना सकते हैं इसको अंडे से भी और नॉर्मल वेज भी बना सकते हैं। तो चलते हैं इसको बनाने के लिए। पहले हम लोग को लगेगा मैदा, जो हम लोग लेंगे एक कप जैसा। जो है हम लोग इसमें मैदा ले चुके हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग को चाहिए नमक और चाहिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, जिसको थोड़ा सा मॉइस्चर करके रखेगा, और चाहिए एक जिसमें हम लोग डाल रहे हैं। अगर आपका पास आप सोच रहे हैं आज वेजिटेरियन है तब एक नहीं देने से भी कुछ होगा नहीं, आप बिना एक के भी ये दे सकते हैं। तो उसको हमको करना है मिक्स, और इसी को इससे मिक्स करके इसका जो बैटर है इसको जो गूंदना है इसको मैदे को, तो इसी से हमको बनाना है। अगर खूब जरूरत पड़े तो इसमें हम लोग पानी यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो फिर से मैं बता दूँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं अगर एग नहीं खाते हैं तो उसमें से आप एकदम जो है मैदे पे एग नहीं देके पानी देके भी इसको गूंद सकते हैं, लेकिन खूब हल्का दे के इसको टाइट करना है। जैसे देखिए एक से नहीं हुआ है मेरे को इसमें, तो मैं हल्का सा इसमें पानी भी यूज करूँगा। इसको एकदम टाइट गूंदना है कि जितना टाइट गुनेगा उतना पास्ता अच्छा बनेगा हमारा। इसको अच्छा से टाइट करके गूंदना है, इसको जितना टाइट होगा ये आपको उतना हेल्प करेगा पास्ता बनाने के लिए। तब लोग देख रहे हैं इसको जितना गूंदना है अच्छा से टाइट करके। ऐसा देखिए थोड़ा थोड़ा ऐसे टाइप का हो जाएगा। फिर इसको ना अच्छा से टाइट करने के बाद हम लोग देख रहे हैं इसको, देख रहे हैं ऑलमोस्ट हमारा जो है ये टाइट एकदम टाइट हो चुका है इसको। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा एक वाइट मार्किंग लेंगे, इस तरह से एक मार्किंग लेंगे और इसको कुछ देर ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट तक। अब चलते हैं, 10 से 15 मिनट हो चुका है, अब हम लोग ये मार्किंग क्लॉथ को ओपन करते हैं। देखिए किस तरह से टाइट हो चुका है, जो रिटर्न ऊपर नहीं आ रहा है। हाँ, तो इसको हम लोग लेंगे अभी यहाँ पे, और ये जो है जिसको हेल्प चाहिए इसमें जो है कॉर्न टच है जो हम लोग इसमें यहाँ पे लेंगे, और इसको थोड़ा सा और लेंगे। अब इसको है क्या थोड़ा हम लोग को इसको बेलना पड़ेगा। जितना लंबा चाहे बेल सकेगा। ये जो मैं डो दिखा रहा हूँ आपको बेल के, आप इसमें से वन टन का सीड भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी पास्ता जैसा आपको चाहिए जितना टाइप का पास्ता है आप इससे बना सकते हैं, नूडल्स भी बना सकते हैं। तो फिलहाल आज जो हम बना रहे हैं वो फेटोचिनी बना रहे हैं। तो इसको लिए चाहिए ये हमको बेल बेल के लंबा करना है, इसको ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। तो देख रहे हैं कि ऐसे ही लंबा आपको करना है, और इसको थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर उसमें डालना है क्योंकि ये चिपक ना जाए, चारों तरफ से उसको ठीक से एक साइज में मिलना है उसको। देख रहे हैं अब हम लोग इसको फोल्ड करेंगे इस टाइप का,
इसको हम लोग थोड़ा बेलेंगे क्योंकि आपको स्पेस थोड़ा कम होगा, इसको ऐसा करके बेल बेल के फोल्ड करके बेलना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर खोलेंगे। फिर देख लें, अब इधर हम लोग थोड़ा कंट्रोल लगाएंगे। फिर इसको क्या करना है, इस तरह से बेलना है। देखिए ऑलमोस्ट बड़ा सा एक पट्टा जो हम लोग बना चुके हैं, उसका थिकनेस देखिए ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हम लोगों को थोड़ा फेतोचेरी के लिए थोड़ा मोटा सा चाहिए, तो अगर आपको पतला करना है तो आप ऐसा करके फोल्ड करके इस टाइप का फोल्ड करें, एक कप और एक दे के थोड़ा कॉन्फ्रा दे के करिएगा, नहीं तो ये सट जाएगा, फिर आप खुलेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से फिर से आप इसको बेल सकते हैं हल्का सा। अब इसको हम लोग को फोल्ड करना है, ठीक है, इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब इसको हम लोग चॉपिंग बोर्ड लेंगे, चॉपिंग बोर्ड लेके इसको कटिंग करेंगे। हम लोग इसमें चॉपिंग बोर्ड ले चुके हैं, देख रहे हैं। अभी जो साइड का चीज़ है उसको हम लोग तो सेट में कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हम लोग साइड काट चुके हैं, अब इसको अब थोड़ा थिक साइज में स्लाइस करना है इसको, इसके लिए देख रहे हैं इस तरह से ये फेतोचेरी का पास्ता का ये होगा इसमें। तो इसका हल्का सा इस तरह से रखना है, इस तरह से हम लोग इसको कटिंग कर लेंगे। आप इसको भी पतला भी काट सकते हैं, एकदम जुलियन काट सकते हैं, क्योंकि आप जो अगर सोचिए आप नूडल्स बनाएंगे, तो जब आप नूडल्स बनाएंगे तो आप नूडल्स के जैसे भी इसको पतला पतला करके काट सकते हैं, नूडल्स में भी आपको ये काम आ जाएगा, ठीक है। तो आप दूसरा तरह से आप इसको छोटा सा कटिंग करके बो शेप में करके इसको पास्ता में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग काट देते हैं इसको पूरा, देख रहे हैं ये पूरा हमने कटिंग कर चुका हूँ। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट देना है क्योंकि ये एक का साथ एक ना सट जाए। और ये है जो आप मैदा से बनाइएगा, ऐसा कोई नहीं, कोई बात नहीं है, जो आप मैदा से बनाइएगा आप आटे से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर ऐसे ही है, आप हल्का पानी दे के भी कर सकते हैं, अगर वेजिटेरियन है तो आप अंडा यूज मत करिए, आप सिवाय थोड़ा सा हल्का गर्म पानी वार्म वाटर से भी दे सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग इसको करेंगे थोड़ा सा बॉयल, ठीक है। तो गर्म पानी लेना है पहला, ठीक है, देख रहे हैं हम लोग गर्म पानी लिए हैं, और उसमें देना है थोड़ा सा तेल, और इसमें आप कुछ भी हर्ब्स डाल सकते हैं अगर आपको लगता है इसमें, मेरे पास कोई हर्ब्स नहीं है, नहीं तो आप इसमें बेसिल थोड़ा डाल सकते हैं, क्योंकि बेसिल डालने से वो पास्ता का जो स्मेल है वो बढ़िया होता है। इसको बॉईल करने के बाद इसमें डाल के थोड़ा 3-4 मिनट बॉईल करने के बाद इसको उठा के ठंडा करके फ्रिज में डाल सकते हैं, और ये आराम से आपको 1 सप्ताह तक फ्रिज में रह जाएगा। देख रहे हैं पानी गर्म हो चुका है, और ज़्यादा हमको एकदम उबाल नहीं चाहिए पानी में। तो अब इसमें हमको डालना है ये जो हमारा फेतोचेरी पास्ता है, इसको डालना है इसमें। इसको अगर आपको पास ज़्यादा रहे तो आप 2 बार में या 3 बार में भी इसको कर सकते हैं। इस तरह से हमको इसको बॉइल करना है, डालना है। देख रहे हैं इसको 5 मिनट जैसा उसमें इसको बॉईल करके फिर उठा लेना है। देख रहे हैं पास्ता हमारा जो है फेतोचेरी पास्ता बॉईल हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम लोग ठंडा पानी लिया है इसमें,
क्योंकि ब्लांच करना होगा आपको, क्योंकि एकदम आप गर्म पानी में डाल दिएगा तो ये चिपक जाएगा, समझो ठंडा पानी नहीं है, ठीक है। तो इसमें फिर इसको हमको क्या करना है, इसको बंद करना है, इसको जो है देखना है लंबा लंबा हुआ है, इसको ठंडा पानी में डालना है। देखें इस तरह से आपको पानी में डालना है, देख रहे हैं ऑलमोस्ट हमने ठंडा पानी से निकाल लिया। आप देखिए कितना सुंदर लंबा लंबा हुआ है ये एकदम। अब इसको हम लोग फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। इसे हम लोग जो नेक्स्ट लाइव शो करेंगे उसमें जो है हमारा चिकन फेटो चिली स्टोवना इससे बनाएंगे, तब तक इसको हम लोग फ्रिज में